क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या एक्सपेक्टेशन था जर्नी से, थोड़े से दूर रहेंगे पूरे जर्नी के बारे में? हाँ, जर्नी बहुत अच्छी थी और सबसे बड़ा मेरा जो लाइफ का फियर था वो मैंने फेस किया और उससे दो दिन में ओवरकम हो गया। बिग बॉस घर ही ऐसा है कि आपको जब आप अपना करियर फोकस रखते हो तो साइड की चीज़ें आपके लिए फेड अवे हो जाती हैं। और जब मैंने एंटर किया था तो मैं जीतने के लिए आया था कि मैं विनर बनूंगा, बट अगर ट्रॉफी नहीं जीती, अगर दुनिया का दिल जीत लिया, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो भी मुझसे मिल रहा है वो ये बोल रहा है कि आप डिजर्विंग थे, डिजर्विंग थे, तो वो सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अमेजिंग जर्नी रही। हाँ, मैंने देखा 5 लाख पे छोड़ के गया था, 3.5 मिलियन हो गए। मैं एक साल से मैंने उसको मतलब नहीं, कुछ भी नहीं किया था, वो तो यहाँ पे बिग बॉस में वैसा हो गया। हाँ, मतलब एक साल से मैंने उसको टैक्स वगैरह कुछ नहीं किया था और अब बिग बॉस में जब ऐसा कुछ हुआ तो उसको फेस करना पड़ा, बट अभी बाहर जाके कोई कनेक्शन नहीं। डन एंड डस्टेड, ये अंकिता जी से मैंने इंग्लिश में सीखा है, नाउ इट्स डन एंड डस्टेड। तो आपको सरप्राइज भी तो करना था। नहीं नहीं, तो नहीं नहीं, क्योंकि पहले इसलिए हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब मैंने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि कभी पहले रिवील नहीं किया हमने सोशल मीडिया पे कि हम कमिटेड हैं या कुछ, और मुझे नहीं पता था कि वो जो एक इंटरव्यू उन्होंने प्राइवेटली लिया था वो पब्लिक कर देंगे कि मैं कमिटेड हूँ। पहले दिन ही स्टेज पे खुल गया, मैंने कहा यार मैं तो बाहर देख गया हूँ, मैं सिंगल था। तो जो भी हुआ, मुझे बाहर आके पता चल रहा सब अच्छा ही हुआ है, तो भगवान जय श्री राम, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और मुझे लगता है आगे चल के सब कुछ अच्छा ही होगा। मुझे अभी यही पता चल रहा है, लड़कियों से ज़्यादा उनकी माएँ मेरी फ़ैन हैं, तो मैं माताओं को बस नमस्कार करना चाहूँगा और जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं उनका प्यार बटोरना चाहूँगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहूँगा। लड़की के बारे में अभी मैं नहीं सोचूँगा। बस अंकित भाई मेरे लिए, मतलब मैं उनको एक तरह से पूजता हूँ क्योंकि एक्टिंग का अगर थोड़ा सा जो भी मुझे एक्टिंग आते हैं उन्होंने ही सिखाई थी और मेरे को वर्कआउट भी उन्होंने ही लगवाया था। वर्कआउट उनकी वजह से मैं बॉडी फिटनेस में गया हूँ और उनकी वजह से मैं बिग बॉस में भी आया हूँ क्योंकि उनसे किसी ने कॉन्टैक्ट मांगा होगा, उन्होंने दिया होगा, फिर ऐसे आगे आगे बात बढ़ी और आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मैंने तो जीतना एक्सपेक्ट किया था पहले दिन से मैंने जीतना एक्सपेक्ट किया था कि मैं जीतने के लिए ही आया हूँ, बट जब एक इंसान की पहले से एक फ़ैन फॉलोइंग होती है और वो फ़ैन फॉलोइंग उसने अपने दम पे ही कमाई है, उसको बीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट वही जो मैंने बोला कि दिल जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे आइयो ही नहीं हो रिश्ता, अभी शादी थोड़ी करनी है, अभी तो इधर ही देना है क्या सारा कुछ? हाँ, तो शादी थोड़ी करनी है, तो मम्मी को पसंद आए ना आए बाद में करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। अभी जी आप लोगों को क्या लगा, फेक था? मैं आपसे भी पूछ लूँ, मैं पहली बार दे रहा हूँ ना इसलिए मैं पूछ सकता हूँ। मेरे को तो नहीं, मैं बहुत रियल था, मेरे को जो दिल में आ रहा था मैं वो सारे इमोशन, क्योंकि मैं कोई इमेज लेके नहीं गया था कि मेरी ये इमेज है, तो मैं इमेज कॉन्शियस बिल्कुल नहीं था, तो जो मेरे को फील हो रहा था वो मैं बोल रहा था, और अगर मैं किसी से रिजेंबल कर रहा था तो वो मेरा फॉल्ट नहीं है। जैसे ईशा ने भी आके आई थिंक बताया कि ये ऐसा ही है,
तो हाँ मैं ऐसा ही हूँ। अभी तो बाहर आया हूँ, अभी मुझे नहीं पता खत्म हुआ है नहीं हुआ है, पर मैं उस चीज़ को ओवरकम करना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ मेरी सक्सेस के आड़े आए और मैं उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना चाहूँगा। किसने इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कोई बात नहीं करना चाहता और वो बिग बॉस में ख़त्म हो गया, इस बारे में कोई बात नहीं। मैं मुनावर और मनारा के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहूँगा, खानजादी के साथ फ्रेंडशिप नहीं। तो मुनावर भी मेरा दोस्त ही है, अगर किसी ने उसको सपोर्ट कर दिया तो गलत बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ मुझे पता चला मेरी वेट कर रही है, झूठ बताया लोगों ने। तो अगर मुझे फिर बाहर आके मैं देखूंगा क्या है, मैं अंदर रह के मुझे क्या पता क्या हो रहा है। वो हाँ मैं नहीं चाहता था वो थप्पड़ लगे, बट वो मेरा रिएक्शन वैसा निकल गया, बट मुझे सुनने में आया कि वो मतलब मैं हीरो बन गया उसके बाद से, बट पर वो अच्छी बात नहीं है, मारना नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं गिल्टी हूँ। अरे आप बहुत टफ सवाल पूछ रहे हो यार। पूछे पूछे पूछे, अब आप पूछोगे खानजादी का, आपने यही पूछोगे ना। क्लॉस्ट्रोफोबिया, मैं आई थिंक मैं 27th फ्लोर पे स्टेयर से जाता हूँ, मैं लिफ्ट से नहीं जाता। मैं मेरे फादर को क्लॉस्ट्रोफोबिया, वो पंजाब से बॉम्बे ट्रेन में आए और वो कार से ट्रैवल करते हैं अगर दूर दूर कहीं जाना हो तो। ये फैमिली फोबिया है, मेरी दीदी को भी था, मेरी दीदी का ओवरकम हो गया, बट ये मैं लिफ्ट में कभी नहीं जाता। अच्छा, बहुत दिन बहुत टाइम है। हाँ हाँ ऐसा लग रहा था कि चमत्कार हो जाएगा, जैसे एक बार चमत्कार हुआ था, मैं बाहर जाके अंदर आ गया था तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करता करता मैं घर से बाहर होके अंदर आ गया, मुझे लगा मैं जीत भी जाऊंगा, बट ठीक है टॉप टू में आना भी चमत्कार ही था। अभिषेक लास्ट क्वेश्चन, अभिषेक लास्ट क्वेश्चन, आपने सबसे इस लाइफ से ये जो मुझे रियलाइज हुआ मेरे बारे में कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं फोकस्ड हूँ। मुझे पता है कि मैंने 105 दिन वर्कआउट नहीं छोड़ा, चाहे मैं बहुत पतला सा ख़त्म सा हो गया बट मैंने वर्कआउट नहीं छोड़ा, मैं बहुत फोकस था, लड़ता रहता था फिर भी वर्कआउट कर रहा होता था, मेंटली अनस्टेबल होता था फिर भी मैं लड़ रहा होता था, ये कर रहा होता था वो कर रहा होता था। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं मेंटली बहुत स्टेबल हो चुका हूँ, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ। और एक चीज़ जो मैं नहीं करना चाहता, मैं अपने शॉर्ट टेम्पर्ड जो मेरा नेचर है उस पर ओवरकम करना चाहता हूँ। नो, इसके बारे में कोई आंसर नहीं दे रहा। किसने बोला? पता नहीं, मैं मेरे को बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और मेरे को डर लगता है तो मेरे को नहीं देना यार। क्या कंफर्टेबल नहीं है मेरा क्या? प्रोस्टिट्यूट? मैंने बोला था, किसने बोला भाई? ये बिग बॉस में? अरे मेरे क्या बात कर रहे हो, मैं कुछ बोलूं? थैंक यू, चलो थोड़ा सा।